तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपने अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या, आज अपने अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। तो अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बिल्कुल इजी सा चैप्टर था। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है मापन व मात्रक। ओके, कि मतलब कि वस्तुओं को मापा जाता है तो किन पद्धतियों का ध्यान रखा जाता है, किस में मापना है वगैरह वगैरह, और उनके जो मात्रक होते हैं, मात्रक का मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल छोटी क्लासों में जैसे अपने लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर, तो यहाँ मीटर जो है वो यूनिट है, मात्रक है जो लंबाई को दर्शाता है। 3 केजी, तो यहाँ केजी जो है वो किसको दर्शाएगा, द्रव्यमान को। उसी तरह से 3 लीटर, लीटर है तो वो आयतन को दर्शाएगा, मीटर क्यूब है तो वो आयतन को दर्शाएगा, मीटर स्क्वायर है तो वो क्षेत्रफल को दर्शाता है, और मीटर है तो वो लंबाई को दर्शाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज अपने डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मापन व मात्रक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं, 3 टॉपिक जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक टॉपिक आप पढ़ोगे विमीय विधि या विमाएँ पढ़ोगे, तो उसके अंदर पूरा डिटेल में अपने को पढ़ना है। फिर इस चैप्टर में और इम्पॉर्टेंट है त्रुटि या एरर, कि मान लो मापन करते समय, मापते समय कोई एरर हो गई, कितनी एरर हुई, कैसे उसको ज्ञात करना है, तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। और फिर उसके बाद है सार्थक अंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बड़े आराम से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मात्रक या यूनिट। मात्रक जैसे कई बच्चों को नहीं पता लगता कि ये मात्रक क्या होता है, लेकिन यूनिट से लगभग सभी बच्चे समझ जाते हैं कि किसी भी संख्यात्मक मान के बाद में जो हम लिखते हैं उसे यूनिट कहते हैं। जैसे मान लो हमने किसी चीज़ को मापा, ठीक है, और उसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, तो 5 जो है वो एक संख्यात्मक मान है और सेंटीमीटर जो है वो एक यूनिट है। अब ये जो यूनिट होती है ये क्या चीज़ है, तो अपने इसको पढ़ते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको मान्यता प्राप्त है कि सेंटीमीटर एक मात्रक है, मीटर एक मात्रक है, किलोमीटर भी एक मात्रक है। ओके, लेकिन आगे चल करके हम इन्हीं सब मात्रकों को एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से मात्रक आते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जब भी हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो हमें उसको मापने के लिए निर्धारित, पहले से ही निर्धारित किए गए, पहले से ही निर्धारित किए गए, क्या किए गए हैं, पहले से ही निर्धारित जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनको हमने क्या करना होता है, लिखना होता है, और उन्हीं मानकों को मात्रक कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किए गए मानकों को मात्रक कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखो, मात्रक की परिभाषा के अंदर आपने देखा होगा क्या लिखा है, किसी भी भौतिक राशि को माप, तो मात्रक क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किए गए मानकों को, जो मानक निर्धारित किए हुए हैं पहले से ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, उन्हीं मानकों को हम मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल, सेंटीमीटर भी मात्रक है, मीटर भी मात्रक है, सेकंड भी मात्रक है, तो ये सब जो है मात्रक होते हैं। फिर है इसमें हमने पढ़ा किसी भी भौतिक राशि को, ये भौतिक राशि क्या होती है। तो देखो, राशियां जो है बहुत सारी होती हैं, बहुत कुछ है। तो वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे और इसकी लंबाई को माप लोगे, तो ये भौतिक राशि है, और इसकी लंबाई आपने माप ली तो फिर इसकी लंबाई को मापा जा सका, तो इसको हम भौतिक राशि कह देंगे। तो ये प्रत्यक्ष रूप से आपने मापा, मतलब कि सीधा स्केल लिया और डायरेक्ट इसको माप लिया। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से लेकर चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, तो उनको आप किसी भी इंची टेप वगैरह से या किसी भी डिवाइस से डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ से लेकर चंद्रमा तक इंची टेप लेकर चले जाओ, स्केल लेकर चले जाओ, तो उससे मेजर नहीं कर सकते। तो इन चीजों को मापने के लिए अपने को अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे अपने पैरालेक्स मेथड वगैरह पढ़ेंगे, लंबन विधि जिसको कहते हैं अपने,
तो ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां। फिर आ जाता है मात्रकों के प्रकार। मात्रक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, जिनको फंडामेंटल यूनिट भी कहा जा सकता है, और व्युत्पन्न जो है डिराइव होते हैं। तो मूल मात्रक जो हैं इन्हें हम अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं कर सकते, ये पहले से ही एकदम फंडामेंटल होते हैं। मान लो जैसे व्युत्पन्न मात्रक है अपने पास, जैसे मान लो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चाल के मात्रक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बना है, मीटर से और सेकंड से। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मीटर किससे बना है तो आप कहोगे नहीं। हाँ, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मीटर जो है वो सेंटीमीटर से मिलकर बना है, तो देखो मीटर एक लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर भी एक लंबाई का मात्रक है, तो ये अपने आप में एक मूल मात्रक है। तो वे मात्रक जिन्हें किन्हीं अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं, और मूल मात्रकों के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये एक मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक है मीटर, ये भी एक मूल मात्रक है। समय का मात्रक है सेकेंड, तो ये भी एक मूल मात्रक है। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिनको हम अन्य मात्रकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्य का मतलब है यहाँ पर मूल मात्रकों से। तो व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जिन्हें मूल मात्रकों से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चाल। कुल मिलाकर के ये समझ लो कि जिस फॉर्मूले में दो या दो से ज्यादा राशियां आ गई, तो इसका मतलब वो एक मूल मात्रक नहीं है, व्युत्पन्न मात्रक है। इसको अपने ये भी कह सकते हैं, जैसे चाल एक व्युत्पन्न मात्रक है जिसका मात्रक मीटर और मीटर पर सेकंड होता है। अब आता है कि इन मात्रकों को किन पद्धतियों में मापा गया है, किन पद्धतियों में रखा गया है। तो मात्रकों की जो पद्धतियां हैं इंटरनेशनली जो सेट हैं, वो पद्धतियां अपने पास चार हैं टोटल, लेकिन एक ही लाइन में अपने, मतलब कि एक ही सिस्टम में अपने इन तीन को पहले देखेंगे। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति जो है वो फ्रांस बेस्ड है, और इसके अंदर सी का मतलब तो हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकंड। यानी कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। ओके, तो ये है अपने पास सीजीएस पद्धति। उसी तरह से एफपीएस पद्धति होती है, जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, और एस का मतलब है सेकंड। तो लंबाई जो है वो फुट में मापी जाती है, द्रव्यमान पाउंड में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है, और ये ब्रिटिश बेस्ड पद्धति है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कि एक पाउंड के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपसे पूछूंगा। तो एक पाउंड में कितने किलोग्राम, ये आपने पता लगाना है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में क्या हो गया कि लंबाई सेंटीमीटर में होगी, द्रव्यमान ग्राम में होगा, और समय सेकंड में होगा। एफपीएस पद्धति में क्या होगा, लंबाई फुट में होगी, द्रव्यमान पाउंड में होगा, और समय सेकंड में होगा। फिर चलते हैं एमकेएस पद्धति। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। यानी कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। फ्रेंच बेस्ड सिस्टम है ये। तो तीनों पद्धतियों में एक बात आपने कॉमन देखी होगी कि समय जो है वो हर पद्धति में सेकंड में ही मापा जा रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रही है, मोस्ट वाइडली जो एक्सेप्टेड है, मतलब कि पूरी दुनिया जिस पद्धति पर चल रही है, मतलब कि कहने का मतलब जिस पद्धति को अपना रही है, सॉरी, तो वो एस आई पद्धति है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पद्धतियों को छोड़ दिया गया है, वो भी है, लेकिन एस आई पद्धति जो है इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो एस आई पद्धति के अंदर कुछ मूल मात्रक हैं और कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, या कुछ पूरक मात्रक हैं। ओके, तो व्युत्पन्न नहीं कहते इनको, इनको अपने थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। कुछ सात जो है मूल राशियां हैं, और दो जो हैं वो पूरक राशियां हैं।
ओके तो यहाँ अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि एस आई पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। अब देखो 7 मूल राशियां कौन कौन सी है, तो ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो उस दोनों के अंदर जो एसआई सिस्टम है इसके अंदर सब सेम है। ओके तो 7 मूल राशियों में आ जाता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, तापमान, समय, टाइम, द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ। तो इनके मूल मात्रक क्या होते थे, लंबाई का मात्रक इस पद्धति के अंदर, क्योंकि एमकेएस पद्धति जो है वो एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस का सुधरा हुआ रूप है, मतलब कि इस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा, समय को सेकंड में मापा जाएगा, तापमान को केल्विन में मापा जाएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाएगा, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाएगा और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाएगा। और इनके जो प्रतीक होते हैं, तो बड़े ध्यान से इन प्रतीकों को समझना है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का खास ध्यान रखना है। होता क्या है कि कुछ प्रतीकों में तो आपने देखा होगा कि कैपिटल लेटर लिखे होते हैं, कुछ के अंदर स्मॉल लिखे होते हैं, तो हमेशा याद रखना जो प्रतीक साइंटिस्ट के नाम पर होंगे, जो प्रतीक साइंटिस्ट के नाम पर होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होंगे, और जो नॉर्मल होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। जैसे द्रव्यमान का स्मॉल एम है, तो जो ये सॉरी लंबाई का स्मॉल एम है, तो ये जो स्मॉल एम है, मीटर कोई साइंटिस्ट नहीं था, ओके तो ये सिर्फ एक नाम है, तो एम द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, केल्विन का कैपिटल के, ये साइंटिस्ट है। ओके एम्पियर, कैंडेला और मोल, MOL, क्लियर। तो ये अपने पड़े मूल मात्रक या मूल राशियां। तो एसआई सिस्टम के अंदर 7 मूल राशियां हैं, एसआई सिस्टम के अंदर 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं, ठीक है, या पूरक मात्रक हैं। अब ये पूरक मात्रक कौन से हैं इन पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऊपरी ऊपर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा पूरक मात्रक या पूरक राशियां। तो पूरक राशियां एसआई सिस्टम के अंदर 2 हैं, कौन कौन सी, एक तो हो गई समतल कोण और दूसरी हो गई घन कोण। और मात्रक समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टीरेडियन, और प्रतीक है रेडियन का RAD और स्टीरेडियन का SR। तो जैसे कि मूल मात्रक अपने किए, लंबाई, द्रव्यमान, इन सबको समझने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस से ही आ जाते हैं। बात आती है कि ये समतल कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है, तो बड़े ध्यान से, समतल कोण, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि माना अपने पास वृत्त है, उस वृत्त का एक चाप काट लो, इस तरह से मान लो अपने गोल वृत्त बनाया और उसका कोई चाप काट लिया, तो वृत्त के चाप ने केंद्र पर जो कोण बनाया, किसके केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त के चाप ने वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया उस कोण को समतल कोण कहा जाता है। तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। और कोण का फॉर्मूला क्लास 10th से ही बच्चों को पता होता है, मैथमेटिक्स की क्लास से, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो ये अपने पास कोण है डी थीटा, ओके तो समतल कोण को डी थीटा, थीटा से भी डिनोट कर लेते हैं, वो कोई ये नहीं है। चाप है ds, चाप की लंबाई है ds और त्रिज्या है r, यानी कि डी थीटा बराबर हो गया ds अपॉन r। तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है, अच्छी तरह से इसको याद रखना, समतल कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके अब चलते हैं कि समतल कोण का जो मात्रक था वो रेडियन था। अब ये एक रेडियन की परिभाषा देनी हो तो कैसे दी जाएगी, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो,
और फॉर्मूला क्या कहता है, डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस किसी भी वृत्त की त्रिज्या कांस्टेंट होती है, और डीएस जो चाप की लंबाई है वो हमारे पर डिपेंड करती है कि हम कितना लंबा चाप काट रहे हैं, छोटा चाप काट रहे हैं या क्या है। तो अगर मैं चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर लूं, ध्यान रखना डीएस बराबर आर होगा, आर बराबर डीएस नहीं होगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, जबकि चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर अगर हम लें तो इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यदि डीएस बराबर आर हो तो आर से आर कैंसिल, एक बच गया, यानी कि एक रेडियन वह समतल कोण है जो वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है, लेकिन इस स्थिति में चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर होती है। ओके, यानी कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। तो एक रेडियन जो है इतना होता है। अब आपको मेरे को बताना है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, ओके, चाहो तो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। तो क्वेश्चन ये है, वृत्त जो है वो टोटल कितने रेडियन के एंगल का होता है, मतलब कि केंद्र पर जो कोण बना, जैसे मान लो एक वृत्त मैंने यहां से बिंदु स्टार्ट किया और वापस वहीं पहुंच गए, तो जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना, या वो कोण कितने रेडियन का बना, ये आपने बताना है। ओके, अब आ जाओ उसके बाद घन कोण क्या होता है, तो बड़े ध्यान से इसको भी समझो। घन कोण एक्चुअल में देखो, घन सॉलिड या सॉलिड एंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं, डी ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। मान लो अपने पास जैसे कोई गोला है, गोले का मतलब जैसे बच्चों की बॉल होती है उस तरह से, उस बॉल पर मैंने छोटा सा कोई एरिया मार्कर से निशान लगा दिया, जैसे मान लो जैसे फुटबॉल होती थी उस पर वो छोटी छोटी चकतियां होती थी, तो फुटबॉल की वो एक छोटी सी चकती फुटबॉल के केंद्र पर क्या कोण बना रही है, उसी कोण को हम कहते हैं घन कोण। अर्थात गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल कितना भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि डी ए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। थोड़ा सा सोचो, जैसे वो कोन वाली आइसक्रीम होती है, आपने बहुत सारे कोन लिए और सभी के नुकीले हिस्से को पकड़ करके एक गोल गोला बना लिया, उस गोले में से एक कोन को निकाल दो, तो वो एक कोण का जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है, उसे ही हम घन कोण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और मात्रक है एसआर, मतलब कि स्टे रेडियन। तो एक स्टे रेडियन परिभाषित करना है, तो वही फंडा, यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो, अर्थात जो सतह पर क्षेत्रफल है, सतह पर जो हमने क्षेत्रफल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यदि वो क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो उस क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण, उस क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण एक स्टे रेडियन का होता है। तो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एक स्टे रेडियन होता है। नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे और इस पर डिस्कस भी करेंगे अपने, एक रेडियन में इतना होता है, एक डिग्री में इतना होता है। तो ये तो हो गई डायरेक्ट सिंपल सी बात। अब मैं आपको सीधा सा ही बता देता हूं कि रेडियन और रिलेशन, डिग्री में रिलेशन कैसे पता लगता है। जरा वृत्त पर ध्यान दो, अभी थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं आपको लिख करके नहीं समझा सकता। थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये अपने पास एक कंप्लीट वृत्त है, ओके, और वृत्त में जो पूरा का पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री, और पाई के हिसाब से देखें तो वो कितना हो गया, 2 पाई, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो 1 पाई रेडियन कितना होगा, 360 बटा 1 रेडियन कितना होगा, 360 बटा 2 पाई डिग्री, ओके, तो 360 बटा 2 पाई करोगे तो 180 बटा पाई आ जाएगा। तो रेडियन को इस तरह से डिग्री में बदला जाता है। आज इतना ही करते हैं, ओके स्टूडेंट्स।